हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द लेक्चर सीरीज ऑफ 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ टॉपिक्स छूट गए थे एक्सचेंज रेट की, जो कि हम पार्ट थ्री में और ये फाइनल पार्ट है इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कवर करेंगे। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट सिक्स में पार्ट थ्री। ओके, सो दीज थ्री टॉपिक्स मेनली विल बी डिस्कस्ड। द फर्स्ट टॉपिक इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड द सेकेंड इज़ द टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड द थर्ड इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में एक्सचेंज मार्केट होता क्या है। अभी हमने जो पढ़ा कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ रेट एट विच द टू नेशंस करेंसीज आर ट्रेडेड। ओके, सो जब दो देशों के बीच में करेंसी की लेन देन होती है, तो जिस रेट पर इसे खरीदा या बेचा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ प्लेस, कोई एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जो करेंसीज की ट्रेडिंग की जाती है, यानी करेंसीज को बेचा और खरीदा जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज करते हैं आप इंडिया ए में रहते हो, ठीक है, और ये यूएसए बी है। तो इंडिया ए में अगर आपको कुछ पेमेंट करनी है बी को, तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ डॉलर और यहाँ इंडियन रुपीज चलते हैं। तो ए को अगर पेमेंट करनी है बी को, तो यहाँ डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो ए क्या करेगा, ए अपनी कंट्री में यानी कि इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहां जाकर रुपए देकर वो क्या करेगा, डॉलर को परचेज करेगा, ठीक है। तो उसके बाद बी को पेमेंट कर देगा। तो बी भी ऐसा ही करेगा, अगर ए को पेमेंट करनी है अगर, तो बी भी अपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर करेंसी कन्वर्ट करवाएगा, उसके बाद फिर रुपए में ए को पेमेंट कर देगा। ओके, सो जिस प्लेस पर ये ट्रेडिंग की जा रही है, खरीदा और बेचा जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं, ठीक है। जैसे गुड्स मार्केट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड किया जाता है वहां पर। लेबर मार्केट होता है, जैसे लेबर का ट्रेड किया जाता है, बेचा और खरीदा जाता है, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है जहां पर विदेशी जो फॉरेन करेंसीज हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस का मतलब होता है कि आखिर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल होती है इकोनॉमी के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए, जो भी इस जो ट्रांजेक्शन्स हैं, एक्सचेंज है फॉरेन का, फॉरेन करेंसी का, जो उसको सक्सेसफुल करता है। ओके, सो देर आर फोर फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज मार्केट। ओके, सो द फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन इज द प्राइमरी रोल। ओके, सो जो पहला है वो है ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। ओके, सो द फॉरेन जो मार्केट्स होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती हैं, वो ये भी फैसिलिटेट करती हैं कि अगर आपको एक देश से दूसरे देश में कुछ करेंसीज जो है वो ट्रांसफर करवानी है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो सही प्लेस होता है। ओके, सो दूसरा जो फंक्शन है वो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फंक्शंस। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो क्या करता है, क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे बैंक जो है वो क्या है, वो एक तरीके से मनी मार्केट है, ठीक है, जहाँ पर मनी की लेन देन की जाती है। तो बैंक क्या करता है, बैंक भी लोन जैसे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर भी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ओके, एंड थर्ड इज द मैनेजिंग द रिस्क। तो रिस्क को मैनेज करता है, और मैं रिस्क का मतलब होता है, यहाँ पर हम एक और टर्म देखेंगे, हेजिंग करना। ओके, हेजिंग का मतलब होता है मिनिमाइजिंग द रिस्क। एंड द फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द स्पेकुलेटिव पर्पस। तो ये स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल्स विद ऑल फंक्शंस। सो जो पहला फंक्शन है वो है हमारा ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। तो इसमें क्या होता है, इस फंक्शन में ध्यान से समझना, पहले फंक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द ट्रांसफर ऑफ द फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ओके, इट फैसिलिटेट्स द कन्वर्जन ऑफ द वन करेंसी टू अनदर करेंसी। तो हमने देखा था कि इंडिया को अगर यूएसए में कुछ पेमेंट करनी है, तो पहले इंडिया के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से अपने जो इंडियन रुपीज है उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा डॉलर में, फिर बाद में पेमेंट कर देते हैं। ओके, सो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है द कन्वर्जन ऑफ द वन करेंसी टू इनटू अनदर करेंसी। ओके, दिस एकम्प्लिसेस द ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर बिटवीन द टू डिफरेंट कंट्रीज, एंड द फंड्स कैन बी ट्रांसफर थ्रू द टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, बिल
ऑफ एक्सचेंज एंड द फॉरेन बिल्स एंड द बैंक ड्राफ्ट्स। ओके, तो ये जो ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल ए ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर उसने डॉलर रुपया जो है वो दिया, और उसके बदले उसे क्या मिला, डॉलर मिला। तो ये डॉलर जो है अब बी कंट्री को देना है, तो या फिर बी कंट्री को डायरेक्ट दिया जा सकता है कैश के रूप में, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर दिया जाए अगर, या फिर ये बैंक के थ्रू भी ए जो है वो बी कंट्री को दे सकता है। वो क्या करेगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं या बैंक ड्राफ्ट्स क्रिएट करते हैं, जहां पर वो बैंक जो है वो उस बैंक के, यानी कि ए की बैंक जो है वो बी के बैंक से डायरेक्ट एग्रीमेंट करके वो डायरेक्ट उसको पैसे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, और दूसरा जो फंक्शन है वो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फंक्शंस। ओके, सो द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू इम्पोर्टर्स सो दैट द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वन कंट्री टू अनदर कैन फ्लो विद ईज। ओके, सो द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि जो इम्पोर्ट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं या जो इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली की जा सके। क्योंकि अगर पेमेंट की ज़रूरत होगी और मेरे पास अगर डॉलर्स नहीं हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है, लोन की तरह जो है वो डॉलर शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करता है और कुछ इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करता है। तो इससे क्या होता है कि ए ने बी को पेमेंट भी कर दी और फिर ट्रांजेक्शन भी सक्सेसफुल हो गई और किसी का नुकसान नहीं हुआ। ओके, सो एन इम्पोर्टर कैन फाइनेंस हिज और हर इम्पोर्ट्स ऑन क्रेडिट बाय इशूइंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वह इशू किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ओके, ऐसा होता है कि लेट सपोज करते हैं कि ए को बी को पेमेंट करनी है, तो ये ए जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएगा, ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो बेचने वाला होगा, कोई भी होगा, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करता है, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट बी को पेमेंट कर देगा, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो पर्सन है या जो जिसको लाइसेंस मिला है करेंसी कन्वर्जन का, वो ए से पैसा जो है वो चार्ज करता रहेगा कुछ पीरियड तक इंटरेस्ट रेट के साथ। ओके, सो ऐसे ये क्रेडिट जो है वो कुछ टर्म्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो, ए को बी को पेमेंट करनी थी तो उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, देखो पैसे डॉलर में चाहिए तो डॉलर को खरीदने के लिए रुपया देना पड़ेगा, तो लेट सपोज करते हैं इसके पास रुपया ही नहीं था, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट होता है ए और एफ एम के बीच में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बीच में। तो एफ एम जो है वो लमसम अमाउंट में एक साथ सारा अमाउंट बी को पेमेंट कर देता है, तो बी को पेमेंट मिल जाती है उसी समय, और ए की जो प्रॉब्लम थी शॉर्टेज ऑफ फंड्स की या फॉरेन एक्सचेंज की, वो एफ एम पूरा कर देता है, और बाद में फिर ए जो है वो धीरे धीरे एफ एम को पैसा जो है वो देता है। ओके, सो द थर्ड फंक्शन इज द स्पेकुलेशन फंक्शन। सो द स्पेकुलेटर्स कैन परचेज द फॉरेन करेंसी फॉर फ्यूचर डिलीवरी इफ दे बिलीव दैट द स्पॉट रेट, द रेट एट विच द वन बायर्स और सेल्स द करेंसी सेटलमेंट विद इन 2 वर्किंग डेज फॉर अ फ्यूचर डेट विल बी हायर देन द करेंट फॉरवर्ड रेट। तो इसमें ये है कि स्पेकुलेटर्स जो हैं वो परचेज और सेल करते हैं, और जो जो गैप होता है परचेज और सेल के प्राइस का, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का, उससे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। ओके, सो ऐसे में केस में क्या होता है कि लेट सपोज जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, आर्बिट्रेज जो होते हैं, वो यही काम करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट से मान लेते हैं कि $1 बराबर जो है वो 100 रुपीज़ में $1 उन्होंने खरीद लिया, उसके बाद फिर बाद में पता चला कि 2 वर्किंग डेज जो है या कुछ दिनों बाद जो है $1 की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 102 हो गई, तो इसमें इन्होंने बेच दिया, तो ₹2 जो है वो पर डॉलर उन्होंने कमा लिया। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो स्पेकुलेटर फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, स्पेकुलेशन फंक्शंस भी। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड हेजिंग। अब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज करते हैं कि अगर ए ने बी को पेमेंट करनी है, ठीक है, और फिर बाद में उस समय जो करंट रेट चल रहा था वो $1 बराबर जो है वो 100 रुपीज़ था, तो अगर वो तुरंत पेमेंट कर देते हैं बी को, तो 100 रुपीज़ उसका पेमेंट होगा, कॉस्ट होगी $1, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है। ओके, पर लेट सपोज करते हैं कि उन्हें 2 मंथ्स बाद पेमेंट करनी है, तो हो सकता है कि 2 मंथ बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट सेम ना रहे, हो सकता है कि ये 100 की जगह कितना हो जाए, 200 हो जाए, तो ऐसे में ए का लॉस हो जाएगा अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है। पर लेट सपोज करते हैं $1 बराबर जो है वो 70 रुपीज़ हो जाए, तो ऐसे में किसको घाटा होगा, बी को घाटा होगा। तो ऐसे रिस्क के बचने के लिए फॉरेन एक्सचेंज क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज कई कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करवाता है, फैसिलिटेट करवाता है। ओके, तो ये फैसिलिटेट कहाँ होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में होता है। तो आइए देखते हैं। सो ड्यू टू द फ्लैक्चुएटिंग ड्यू टू द
फ्लैक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देर इज अ नीड ऑफ हैजिंग। हैजिंग का मतलब होता है रिस्क को मिनिमाइज करना। सो देर इज अ नीड फॉर मिनिमाइजिंग द रिस्क। ओके एंड द पार्टीज इन द पार्टीज इन द हैज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बाय पार्टिसिपेटिंग इन द फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट में पार्टिसिपेट करके हैज को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अभी बन जाता है, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि 2 महीने बाद जो है हम $1 बराबर 100 रुपीज़ में ही ट्रांजेक्शन्स करेंगे और डिलीवरी भी उसी समय होगी। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि चाहे एक्सचेंज रेट $200 हो गया $1 बराबर, या ₹70 हो गया $1 बराबर, एक्चुअल में जो पेमेंट की जाएगी वो $1 बराबर 100 रुपीज़ के बराबर ही की जाएगी, क्योंकि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बन लिया जाता है ना, बना दिया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या हुआ, फ्यूचर में होने वाले फ्लैक्चुएशंस के कारण अगर लॉस होता है ए और बी को किसी को भी, तो उससे बचा गया है ना। एंड इन द फॉरवर्ड मार्केट वन बायज अ फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स विद द करेंसी पेयर फॉर प्री डिटरमाइंड अमाउंट एंड द रेट एंड डेट। ओके दिस एग्रीड अपॉन ऑन द टाइम ऑफ द डीलिंग। तो मैंने बताया पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि 2 महीने बाद हम इतने रेट पर और इतना अमाउंट जो है प्रोवाइड करेंगे 2 महीने बाद। एंड द रेट कोटेड ऑन द फॉरवर्ड मार्केट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। और जिस रेट पर, जैसे 2 महीने बाद हमने ये रेट बताया कि इस रेट पर ही हम करेंगे भले ही एक्सचेंज रेट कितना भी हो, तो ये जो रेट है भले ही मार्केट में 200 चल रहा हो, पर जो पेमेंट की जाएगी वो $1 इक्वल में 100 रुपीज़ के बराबर की जाएगी, क्योंकि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया था। तो इस रेट को क्या बोलते हैं, हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ओके तो हमने टाइप्स फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स मेनली ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फर्स्ट इज द स्पॉट मार्केट, सेकेंड इज द फॉरवर्ड मार्केट, थर्ड इज द फ्यूचर मार्केट, एंड फोर्थ इज द स्वैप्स मार्केट, एंड फिफ्थ इज द ऑप्शन मार्केट। ओके सो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक को। सो पहले हम स्पॉट मार्केट की तरफ जाते हैं। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है, जैसे आपने ऑन द स्पॉट वर्ड सुना होगा, तो ऑन द स्पॉट का मतलब होता है इमिजिएटली। तो स्पॉट मार्केट में मैं यहाँ पर ब्रीफ में अगर बताऊँ, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट, जब करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है तो एक्चुअल मतलब इमिजिएटली जो रेट चल रहा होता है अगर उस पर किया गया है, तो उसको हम स्पॉट मार्केट बोलते हैं, या करंट मार्केट रेट पर जो किया जाता है ट्रांजेक्शन। ओके लेट सपोज करते हैं कि 4 बज रहे हैं, ठीक है, 4 इवनिंग के 4 बज रहे हैं, और आप मार्केट में गए और उस समय $1 बराबर जो है वो 70.9 रुपीज़ चल रहा है, और आपने इसी पे ट्रांजेक्शन्स कर ली, तो ये जिस सिचुएशन में आपने किया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट मार्केट बोलते हैं, क्योंकि आपने ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स को सक्सेसफुली कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। द स्पॉट मार्केट इज अ मार्केट इन विच द क्विक ट्रांजेक्शन्स रिगार्डिंग द करेंसी एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ओके सो यहाँ पर तुरंत ही एक्सचेंज रेट किया जाता है, बाय एंड सेल किया जाता है। हेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द करेंसी इज डन इमिजिएटली डिलीवरी। ओके इमिजिएट डिलीवरी होता है, एंड इमिजिएट पेमेंट भी की जाती है, एंड पेमेंट एट द करेंट एक्सचेंज रेट प्रोवाइडेड बाय टू द बायर्स एंड सेलर्स इन द स्पॉट मार्केट। तो उस मार्केट ऐसे ये सिचुएशंस होती है, जैसे प्लेस, जैसे टाइम मार्केट होती है कि आप अगर तुरंत ट्रांजेक्शंस कर रहे हो जो भी मार्केट रेट चल रहा है उस समय, तो उस मार्केट का एक नया नाम दे दिया गया जिसको हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट। ओके है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही, पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर जो इमीजिएट डिलीवरी हो रही है, इमीजिएट पेमेंट हो रही है, सेलिंग है बाइंग इमीजिएट रेट पर हो रहा है, करंट रेट पर हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, स्पॉट मार्केट बोल देते हैं। ओके फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड का नाम से ही पता चल रहा है कि आगे जाकर यानी कि फ्यूचर में इसकी पेमेंट की जाएगी, यानी कि आज हमने एग्रीमेंट कर लिया, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और फिर जो इसकी पेमेंट और डिलीवरी होगी फॉरेन एक्सचेंज की, वो फ्यूचर किसी डेट में होगी, है ना। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। सो आइए डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है। सो द इट इज द मार्केट इन विच द ट्रांजेक्शन आर डन फॉर डूइंग ट्रेड एट सम फ्यूचर डेट। किसी फ्यूचर डेट पर ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट मानी जाती है, ओके या होती है। हेयर द बोथ पेमेंट एंड द डिलीवरी आर डन एट अ फ्यूचर डेट एट अग्रीड एक्सचेंज रेट, आल्सो टर्म्ड एज द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में क्या हुआ कि ए और बी ने, लेट सपोज करते हैं कि 1 जैन है, 1 जैन 2021 है, तो 1 जैन को ये डिसाइड हुआ ए और बी के बीच में कि हम 1 मार्च 2020 को $1 बराबर, यानी कि अगर यहाँ करंट रेट $1 बराबर 100 रुपीज़ चल रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि $1 बराबर 100 रुपीज़ पर हम 1 मार्च को इतने डॉलर्स खरीदेंगे, ठीक है, और इतने रुपए में 100 रुपए इसका रेट होगा इस एक्सचेंज रेट पर। ओके
सो द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द करेंसी आफ्टर 19 डेज ओके एंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट मीन्स दैट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी कस्टमाइज्ड टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एट द टाइम ऑफ द एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू मनी एज नो मनी एक्सचेंज टेक्स प्लेस ओके। सो स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि इसे बदला भी जा सकता है ओके। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इस जो एग्रीमेंट है उसको टेलर्ड कर सकते हो, उसे कस्टमाइज कर सकते हो, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्पॉट मार्केट में ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन होती है, फॉरवर्ड मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बनता है करंट में और उसकी जो डिलीवरी होती है या जो पेमेंट की जाती है वो फ्यूचर किसी डेट में होती है ओके, ये याद रखना। और ये नॉन स्टैंडर्डाइज नेचर का होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब हम फ्यूचर मार्केट देखते हैं, तो फ्यूचर मार्केट भी क्या होता है, फ्यूचर नाम से ही पता चल रहा है कि फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स होगी। फॉरवर्ड में भी हमने देखा फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स हो रही है, फ्यूचर मार्केट में भी फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होगी, तो देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सो द फ्यूचर मार्केट आल्सो सिमिलर टू द फॉरवर्ड मार्केट, इन द फ्यूचर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट आर मेड बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स टू डू इन फ्री टू डू ट्रेड इन फ्यूचर। ऑल पेमेंट्स एंड डिलीवरी इन दिस मार्केट आर डन एट डिसाइडेड एक्सचेंज रेट विच इज ऑल्सो टर्म एट द फ्यूचर रेट। तो यहाँ पर रेट क्या होता है, फ्यूचर रेट। अभी भी हम फॉरवर्ड मार्केट में भी यही होता है, अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। वेयर एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज। अब यहाँ पर डिफरेंस आ गया कि हमने देखा फॉरवर्ड मार्केट जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता, यानी कि उसे बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है अपने नीड के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट एंड कांट बी कस्टोमाइज ओके, और इसे कस्टोमाइज नहीं किया जा सकता। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज इन टर्म्स ऑफ देयर डेट। डेट फिक्स्ड होती है, डेट चेंज नहीं किया जा सकता। फीचर्स साइज एंड कैन नॉट बी नेगोशिएटेड, तो वहाँ नेगोशिएशन भी चलता है, डेट भी चेंज की जा सकती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एंड फ्यूचर मार्केट किस मार्केट में होगा, अगर इंडिया की बात करें तो BSE, NSE और QSFI है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ओके। अब बात करते हैं स्वैप्स मार्केट क्या होता है। तो स्वैप मार्केट इज ए वन वेयर ट्रांजेक्शन फॉर साइमल्टेनियसली लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ द टू डिफरेंट कंट्रीज आर डन बिटवीन द इन्वेस्टर्स ओके। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज फॉर एक्सचेंजिंग कैश फ्लोज ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। एंड इन द स्वैप मार्केट देर इज टू टाइप्स ऑफ द स्वैप ट्रांजेक्शन डन, दैट आर करेंसी स्वैप्स एंड इंटरेस्ट स्वैप। तो दो टाइप के स्वैप्स मार्केट होती हैं, एक होती है करेंसी स्वैप, दूसरा होता है इंटरेस्ट स्वैप। द करेंसी स्वैप इज एन एक्सचेंज ऑफ द फिक्स्ड करेंसी रेट्स ऑफ वन कंट्री विद द फ्लोटिंग करेंसी रेट ऑफ द अनदर करेंसी कंट्री, एंड द इंटरेस्ट स्वैप मीन द एक्सचेंज ऑफ द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विद द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके। सो अगर स्वैप मार्केट में क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं ए और बी दो हैं, अगर करेंसी का एग्जाम्पल नहीं करें, गुड्स की अगर बात करें सिंपल सिटी के लिए, तो लेट सपोज करते हैं कि ए को ए जो है वो प्रिफर करता है, ए प्रिफर मतलब ए को पसंद है, ए को पसंद है एप्पल ठीक है, एप्पल पसंद है, और बी को जो है वो ऑरेंजेस पसंद है ओके, ऑरेंजेस पसंद है। और ए जो है लेट सपोज करते हैं दिल्ली में रहता है और बी जो है वो यूपी में रहता है, तो अगर ए को ऑरेंजेस पसंद है तो यहाँ पर हमने देखा कि एप्पल पसंद है, तो एप्पल का कीमत जो है वो यहाँ पर कितना है, 1000 पर केजी है ओके। और यहाँ पर एप्पल की कीमत जो है 1000 पर केजी है, और यहाँ पर ऑरेंजेस की जो है वो 100 रुपीज़ पर केजी है जो ऑरेंजेस हैं ओके। ये दिल्ली का रेट है, और अगर यूपी के रेट की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपीज़ जो है वो एप्पल मिल रहा है आपको केजी ओके, और 1000 जो है क्या मिल रहा है, ऑरेंजेस मिल रहे हैं। अब देखो बी को ऑरेंजेस पसंद है तो ऑरेंजेस यहाँ महंगे मिल रहे हैं यूपी में, और ए को एप्पल पसंद है तो एप्पल जो है वो यहाँ महंगे मिल रहे हैं पर यहाँ सस्ते मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों अगर क्या करते हैं, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है ठीक है। इसमें क्या होता है कि ए जो है वो क्या करेगा, वो ए जो है वो ऑरेंजेस खरीद कर बी को डिलीवर कर देगा, और बी जो है वो एप्पल खरीद कर ए को डिलीवर कर देगा ओके। क्योंकि अगर देखो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है तो ए को एप्पल पसंद है तो उसे 1000 पे करने पड़ेंगे, और बी को ऑरेंजेस पसंद है तो इसे 1000 पे करने पड़ेंगे ऑरेंजेस के लिए। पर अगर ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए जो है अगर एप्पल खरीद कर सॉरी ऑरेंजेस खरीद कर अगर बी को दे दे तो बी को 100 रुपये में ही ऑरेंजेस मिल जाएंगे, और बी जो है अगर एप्पल 100 रुपये में खरीद कर ए को दे दे तो ए को एप्पल मिल जाएगा 1000 की जगह 100 रुपीज़ में, और दोनों का ही 900 रुपये का फायदा हो जाएगा ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, मिसेस स्वैप ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। करेंसी में भी ऐसा ही होता है ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दोनों का ही फायदा हो गया।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्वैप मार्केट्स बोलते हैं या स्वैप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, हमने मार्केट डिस्कस कर ली। एक और है ऑप्शन मार्केट्स। ओके, सो द ऑप्शन मार्केट इज अ वन वेयर ट्रांजेक्शन आर डन फॉर एक्सचेंजिंग वन करेंसी विद एट अग्रीड रेट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। ओके, तो ऑप्शन मार्केट में भी यही होता है कि पहले से ही हमने रेट जो है डिसाइड कर लिया होता है और ट्रांजेक्शन जो है वो किसी फ्यूचर की स्पेसिफाइड डेट पर होती है। अंडर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इट इज ऑप्शन फॉर एन इन्वेस्टर टू कन्वर्ट द करेंसी बट नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू डू सो। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इसके पास इन्वेस्टर्स जो हैं उसके पास करेंसी कन्वर्ट करने का एक ऑप्शन होता है, वो करा भी सकता है और नहीं भी करवा सकता है। ओके, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो भी कर सकता है या उसे ऑब्लिगेट भी कर सकता है, बट नो अंडर एनी ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि ऐसा ऐसा वो मतलब फ्यूचर डेट जो डिसाइड की है उसमें वो सक्सेसफुली करेगा, है ना। द बायर ऑफ द ऑप्शन हैज़ द राइट बट नॉट एब्लिगेशन टू सेल और परचेज द अंडरलाइंग करेंसी इन द कॉन्ट्रैक्ट एट अ फ्यूचर डेट एट अ एग्री डेट। द ऑप्शन आर ऑफ द टू टाइप्स दैट इज द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। एंड ऑप्शन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। अब पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल एंड कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय। तो हमने देखा कि ऑप्शन मार्केट में क्या होता है कि ऑप्शन मार्केट में करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है किसी फ्यूचर एग्रीड डेट पर, है ना, जो भी एग्रीड रेट हमने डिसाइड किया है। और इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो जो ट्रांजेक्शन्स, वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एग्रीमेंट बनाया, वो उसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ओके, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती, नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू डू सो। ठीक है, तो बायर के पास ये ऑप्शन होता है, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल। ओके, सो बायर बायर ऑफ द ऑप्शन हैज़ द राइट। तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो ऑप्शन को एग्रीड ही करेगा। ओके, सो लेट सपोज करते हैं कि ऑप्शन मार्केट में एक एक बायर होगा और एक सेलर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होता है कि बायर और सेलर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि किसी फ्यूचर डेट पर इस रेट पर हम ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल करेंगे। ओके, तो बायर के पास राइट होता है कि जो भी डेट तय की गई है उस रेट पर उस डेट पर वो ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करे। ओके, बट सेलर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट को मना भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। ओके, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, इसके पास ऑब्लिगेशंस होती है। द बायर ऑफ द ऑप्शन हैज द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल। हाँ, उसके सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ गलत बता दिया, तो सॉरी सॉरी फॉर दैट। ओके, सो लेट स्टार्ट अगेन। सो इसमें क्या होता है कि बायर बायर ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन को खरीदने वाले के पास राइट्स होते हैं बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल और परचेज द अंडरलाइंग करेंसी इन द कॉन्ट्रैक्ट एट ए फ्यूचर डेट एट एग्रीड। यानी कि बायर के पास राइट्स तो होता है पर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं। ओके, सो जो बायर्स के पास राइट्स होते हैं पर ये कॉन्ट्रैक्ट को मना भी कर सकता है। ओके, राइट्स होते हैं कि वो बाय करेगा पर ये मना भी कर सकता है। ओके, बट सेलर के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। सो द ऑप्शन टू टाइप्स के होते हैं। तो ऑप्शन जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन जो है वो राइट टू सेल प्रोवाइड करता है, राइट टू सेल, एंड कॉल ऑप्शन जो है वो राइट टू बाय प्रोवाइड करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो हम इस स्लाइड में हम देखेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन। हमने ये देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, दूसरा हमने देखा था फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट, और थर्ड देखा था मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ओके, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड में देखा था कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और गवर्नमेंट अगर डिसाइड कर रही है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर कुछ अप या डाउन कर रही है तो इसको हम रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन बोलते हैं करेंसी का। पर फ्लेक्सिबल मार्केट में डिमांड एंड फोर्सेस द्वारा तय किया जाता है, और डिमांड एंड फोर्सेस की वजह से अगर करेंसी की वैल्यू कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो उसको एक अलग नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। तो जब भी आपको डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन वर्ड याद आ जाए, इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात कर रहा है, जहाँ पर फॉरन एक्सचेंज रेट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज द्वारा तय किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है। ओके, तो आइए डिटेल में इन्हें डिस्कस करते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, डी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बीच में। देखो, नाम से ही पता चल रहा है,
फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो द मीनिंग इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है करेंसी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होना फॉरेन करेंसी की टर्म्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि $1 बराबर अगर मुझे 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, अब $1 बराबर मुझे 1,000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे कोई चीज़ अगर 100 रुपये में मिल रही है और फिर कोई चीज़ जो है अगर 1,000 रुपये में मिल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस वस्तु की प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए, वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, पर यहाँ करेंसी डेप्रिसिएशन किस टर्म्स में बोला गया है, डेप्रिसिएशन ये डोमेस्टिक कंट्री के टर्म्स में बोला गया। तो इसका मतलब अगर 100 रुपीज़ से 1,000 हुआ है तो डॉलर की तो वैल्यू बढ़ी है, पर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अगर कम होगी तो उनसे क्या बोलते हैं हम, करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का बढ़ना, है ना। लेट सपोज करते हैं अगर $1 बराबर जो है वो 100 रुपीज़ है, फिर $1 बराबर जो है 50 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ देखो पहले एक सामान 100 रुपये में मिलता था, फिर वही सामान 50 रुपये में मिल रहा है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो फॉरेन करेंसी की तो वैल्यू कम हो गई, है ना। तो फॉरेन करेंसी की टर्म्स में अगर देखेंगे, यानी ये फॉरेन करेंसी के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे फॉरेन कंट्री के, तो डॉलर की वैल्यू क्या हुई है, डेप्रिसिएट हुई है। पर हम डोमेस्टिक करेंसी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हमेशा याद रखना। तो डोमेस्टिक करेंसी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये इसका उल्टा होता है। अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो ये क्या होगा, सस्ता होगा। अगर ये सस्ता हो रहा है तो ये महंगा होगा। तो देखो 50 रुपीज़ से अब 100 रुपीज़ से 50 रुपीज़ में आ रहे हैं, ठीक है। तो डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट होगी। ओके, सो इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है करेंसी डेप्रिसिएशन का। तो करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वैल्यू कम हो जाती है ना। तो इट मेक्स द डोमेस्टिक गुड्स चीपर। तो डोमेस्टिक गुड्स क्या होते हैं, चीपर हो जाते हैं। क्योंकि देखो अगर फॉरेन कंट्रीज के लोग अगर $1 देकर 100 रुपये ले रहे हैं, फिर $1 देकर वो 1,000 रुपये ले रहे हैं, तो इसका मतलब ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं ना वो इंडिया में। तो अगर ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं तो इसका मतलब $1 में पहले वो कम जितनी वस्तुएं खरीद सकते थे, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से वो और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक करेंसी के जो गुड्स हैं, डोमेस्टिक कंट्री के जो गुड्स हैं, वो सस्ते हो गए हैं फॉरेन कंट्री के गुड्स के कंपेरिजन में। तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा परचेज करेंगे। और जब फॉरेन कंट्री ज्यादा परचेज कर रही है, तो इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक कंट्री का एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। सो इट मेक्स द डोमेस्टिक गुड्स चीपर इन फॉरेन कंट्रीज एज मोर ऑफ द सच कैन नाउ बी परचेज विद द सेम अमाउंट ऑफ द फॉरेन करेंसी। सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट एंड इट मेक्स करेंसी अप्रिसिएशन में क्या होता है, इट मेक्स फॉरेन गुड्स चीपर। अब यहाँ फॉरेन गुड्स चीपर हो रहे हैं, यहाँ डोमेस्टिक गुड्स चीपर हो रहे थे। ओके, सो गुड्स चीपर इन द डोमेस्टिक कंट्री हैज एज मोर ऑफ द सच गुड्स कैन नाउ बी परचेज विद सेम अमाउंट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। सो इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। अ चार्ज अ चेंज फ्रॉम $1 इज इक्वल टू, $1 जो है 40 रुपीज़ का है, और $1 45 रुपीज़ का है। तो फॉरन एक्सचेंज रेट बढ़ा है, इसका मतलब वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। ये हमेशा याद रखना कि फॉरन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, हमेशा याद रखना। ओके, तो देखो यहाँ पर ये भी है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ डॉलर की बात कर रहा है ना। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ क्वांटिटी किसकी बात कर रही है, यहाँ डॉलर की। पर यहाँ जो रेट बात कर रहा है वो किसका बात कर रहा है, डोमेस्टिक करेंसी की, है ना, डोमेस्टिक कंट्री के परस्पेक्टिव से। तो याद रखना इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। अ चेंज फ्रॉम $1 to $42 एंड $1 is 38 रिप्रेजेंट दैट इंडियन रुपीज एप्रिसिएटिंग। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू।